नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत हो गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया। इस मुलाकात के बाद मीनाक्षी ने बताया कि सीएम ने एक गार्जियन की तरह उनकी बातों को सुना, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने और मीनाक्षी को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में मनीष की पत्नी मीनाक्षी और उनके बेटे से मुलाकात की। इंडियन प्राइम न्यूज से बातचीत में मीनाक्षी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्यवाही का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम से मिलकर और उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिए? आप मुख्यमंत्री जी ने मेरी सारी बात को मान लिया और पूरा पूरा आश्वासन दिया है। आज आप सीएम से आपकी सारी चीजें पूरी होंगी। उन्होंने मुझे नौकरी का भी आश्वासन दिया है, मेरे बच्चे के लिए कुछ राशि का भी किया है, साथ में केस को भी ट्रांसफर करा दिया है। सारा सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने किया, एक मुखिया की तरह बिल्कुल सही निर्णय लिया और कई बातों से हम अवगत हो गए जो हमें नहीं पता थी। पुलिस की जो दोषी पुलिस वाले के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? मैं चाहूंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे, इसका मुझे पूरा पूरा यकीन है। Thank you.